तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना का जो एक वर्ष में यानी कि प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया यानी कि इंस्टॉलमेंट के माध्यम से जो पैसा आता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, तो उन सभी का पैसा कई लोगों का आया और कई लोगों का पैसा नहीं आया। तो उन जिनमें जिस लोगों का पैसा आया है तो उसका किसके कारण पैसा आया है, उसमें क्या सही था कि पैसा आ चुका है, और जो व्यक्ति जो आधार ईकेवाईसी करवाए थे और उनका भी पैसा आया है और कई लोगों का आधार केवाईसी करवाने के बाद भी उनका पैसा नहीं है आया है, तो उन सभी का पैसा कैसे कहाँ पर रुका हुआ है और किस तरह से चेक करना है कि आपको पैसा क्यों नहीं आया, किस कारण से नहीं आया है, तो उसका मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दिया, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपको पैसा क्यों नहीं आया है और क्या कारण है कि नहीं आया है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उसका सोल्यूशन मतलब क्या होगा कि मतलब पैसा आपका अकाउंट पर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको पूरा कंप्लीट आपको वीडियो को वॉच करना होगा। अगर आप वीडियो अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको कोई यहाँ पर प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसको आप ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद बिना स्किप किए हुए देखें वीडियो को, ताकि आप सभी को कंप्लीट जानकारी मिल सके। और मन में अगर किसी भी तरह का अगर सवाल आता है, अगर जो मैं बताया उसमें अगर समझ में नहीं आया है, तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर गूगल में क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर इस वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर एक फार्मर कॉर्नर का सेक्शन जो दिखाई दे रहा है, इस वाले फार्मर कॉर्नर का सेक्शन में यहाँ पर चले आएँगे। तो चलिए मैं यहाँ पर फार्मर कॉर्नर का सेक्शन में आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फार्मर कॉर्नर का सेक्शन है एक, और यहाँ पर आने के बाद एक आपको दिखाई देगा यहाँ पर बेनिफिशरी स्टेटस। तो यहाँ पर बेनिफिशरी स्टेटस में आना होगा। तो यहाँ पर जिनका पैसा आता है उनका भी, और जिनका पैसा नहीं आता है उनका भी, और जिनका पैसा रुका हुआ है उनका भी यहाँ से बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है। जैसे मान लीजिए आपका पैसा नहीं आ रहा है और पिछली बार पैसा आया था, अब जो पीएम किसान का ई केवाईसी हो रहा था, ई केवाईसी होने के बाद आपको पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको आपको क्या करना होगा, कैसे चेक करना होगा, या जिनका पैसा आता है और जिनका नहीं भी आता, सभी लोग यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे अपना अपना। तो चलिए क्या करना है कि यहाँ पर बेनिफिशियरी स्टेटस में क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद जिनका पैसा आता है उनका भी और जिनका नहीं आता है उनका भी क्या करना है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया है आपको कि यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं, अकाउंट नंबर चेक करने के लिए भी ऑप्शन आपको दिया गया है, और यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने के बाद तो हो जाएगा। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाह दूंगा कि यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। क्योंकि इसलिए क्योंकि अकाउंट नंबर आपका कई और दिए होंगे और यहाँ पर डाटा कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ है कि ई केवाईसी जब से शुरू हुआ और कुछ जो नई नियम लागू किया गया है, नई नियम लागू करने के बाद आपको क्या किया गया है कि जिनका आधार कार्ड बैंक में केवाईसी हुआ होगा उन्हीं का यहाँ पर अकाउंट शो कर रहा है। यानी कि जो पीएम किसान का पैसा लेते हैं तो उनका यहाँ पर अकाउंट का कोई वैलिडिटी नहीं है, यहाँ पर उनका केवल आधार का वैलिडिटी है, यानी कि आधार के अनुसार ही सभी डिटेल काम करेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले भी वीडियो बना दिया था कि कैसे कैसे चेक करना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आधार यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर अपना डालेंगे, यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक कर लेंगे। मैं अपना यहाँ पर आधार नंबर डाल चुका हूँ, इसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर रिफ्रेश लेने के बाद आपको पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सभी डिटेल देखने को मिल जाए जिनके नाम से यहाँ पर पैसा आता है। फार्मर का नाम यहाँ पर दिखा देगा और फार्मर के यहाँ पर फादर नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर सभी डिटेल दिखाएगा। और दिखाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे मेन जरूरी जो बात है जहाँ पर कि पैसा आपका किस कारण आता है और किस कारण नहीं आ रहा है और किसके कारण रुका हुआ है, उसका मैं यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इतना दूर से समझ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मैं आपको समझना है। चलिए यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है, यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव यहाँ पर दिया गया है, एक्टिव और इनएक्टिव का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको पैसा कब आएगा, जब यहाँ पर आपका एक्टिव लिखा हुआ रहा है तब, जो यहाँ पर मेरा यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है, इसके बाद पहला तो यहाँ पर कारण हो गया। अगर यहाँ पर आपका इनएक्टिव लिखा हुआ होगा तो आप अपने नज़दीकी ब्रांच जो आपका बैंक का होगा, आप जिस बैंक में आप खाता खुलवाएंगे वहाँ पर आप अपने खाता को एक्टिव करवाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर पीएम किसान का पोर्टल पर अपडेट करवा लेंगे, या आपको केवाईसी नहीं करवाएंगे तो केवाईसी करवाना होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर देखें पीएफएमएस बैंक स्टेटस, यहाँ पर फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द पीएफएमएस, यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहेगा रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस या बैंक,
तभी आपका यहाँ पर पैसा आएगा। यहाँ पर दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण आपका सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ आधार स्टेटस। तो यहाँ पर आधार लिखा हुआ, यहाँ पर आधार नंबर इज वेरीफाइड। अगर आपका यहाँ पर आधार नंबर इज नॉट वेरीफाई होगा तो आपका पैसा नहीं आएगा। पैसा लाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने बैंक में जाएंगे और पहले आपको आधार को KYC करवाना होगा। यानी कि जैसे कि आप पे नियर बाय या और किसी भी तरह के मतलब माध्यम से आप किसी भी बैंक का पैसा निकालते हैं फिंगर लगाकर, तो आपका अगर फिंगर से पैसा निकलता होगा तो यहाँ पर आधार इज वेरीफाइड होगा। अगर पैसा आपका फिंगर से नहीं निकलता होगा, यहाँ पर आधार इज नॉट वेरीफाई लिखा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है कि आप अपने बैंक में जाएंगे और वहाँ पर आधार को KYC करवा लेंगे अपने अकाउंट में और आपका यहाँ पर आधार इज वेरीफाइड हो जाएगा। या आपने जो EKYC जो करवा रहा था, जो अब EKYC का जो चल रहा था EKYC करवाने के लिए फार्मर किसान का, वहाँ भी अगर KYC करवाएंगे तो यहाँ पर आधार इज वेरीफाइड होगा। लेकिन सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर पेमेंट मोड। पेमेंट मोड आपका अगर यहाँ पर अकाउंट अगर लिखा हुआ होगा तो पैसा उम्मीद है कि नहीं आया होगा। यानी कि 99% मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर पैसा आपको नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही नोटिस जारी किया गया था इसके बारे में कि जिनका यहाँ पर आधार लिखा हुआ होगा उन्हीं का केवल पैसा आएगा और जिनका आधार नहीं लिखा हुआ होगा उनका पैसा नहीं आएगा। तो इसके लिए इस बात पर आप ज़रूर ध्यान दें। कई लोग का ऐसा हुआ कि यहाँ पर बैंक में पहले वाला बैंक में कोई और में पैसा आता था, जब यहाँ पर अकाउंट लिखा हुआ रहता था तब यहाँ पर कोई और इंस्टॉलमेंट में पहले वाला पैसा कोई और आया था, लेकिन अब जो इंस्टॉलमेंट जल्दी वाला आया है, जल्दी वाला इंस्टॉलमेंट कोई और बैंक में आ गया है। तो देखिए कोई और बैंक में आ गया तो उसका कारण क्या है, तो कोई और बैंक में आने के कारण क्या था कि जो बैंक आपने पहले दिया था उस वाले बैंक का डिटेल आधार से KYC नहीं था, इसके वजह से आपको उस वाले बैंक में पहले पैसा आता था, पहले नियम नहीं लागू हुआ था। तो जो पहले नियम नहीं लागू हुआ रहा था तो यहाँ पर आपको अकाउंट लिखा हुआ था इसलिए आपको पहले वाला अकाउंट में पैसा आया था। लेकिन जब से नियम लागू हुआ आधार EKYC का, जब आधार KYC होने लगा सभी बैंक में, तो जिनका जिनका जिस बैंक में आधार KYC होगा उसी बैंक में पैसा आना शुरू हो गया। तो उन लोग अब परेशान हो गए कि अब मेरा भाई पैसा आया था पिछले वाला दूसरे अकाउंट में, अबरी बार दूसरे अकाउंट में आ रहा है। तो इसका कारण यही है कि जिनका आधार कार्ड बैंक में KYC होगा उसी आधार के माध्यम से पैसा आ रहा है, यानी कि जिस बैंक में आपका KYC होगा आधार कार्ड का उसी बैंक में आपका पैसा आ जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। तो उसे आपको टेंशन नहीं है, तो आप जिस बैंक में आप पैसा मंगाना चाहते हो उस बैंक में आप जाइए, आप अपना आधार EKYC करवाइए और उसी बैंक में पैसा आएगा, या जिस बैंक में अभी पैसा आ रहा है आधार KYC हुआ है उसी में आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मन में अगर किसी भी तरह का सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर हमारी बात से सहमत होंगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप पहले जाइए अपने बैंक में और यहाँ पर पहले आप अपना चेक कर लीजिए स्टेटस। इतने दूर वाला यहाँ से आप अपना स्टेटस जो भी मैंने समझाया वो देख लीजिएगा। यहाँ पर पेमेंट आधार होना चाहिए और यहाँ पर आधार इज वेरीफाइड होना चाहिए और यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। यही थी अपडेट। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और जितने भी मन में सवाल होगा अगर ऑनलाइन से संबंधित तो आप हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको सोल्यूशन देने का कोशिश कर सकूँ।